नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम दत्त और स्वागत है आपका मैक्स लाइव पर। हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस पर आईटी डिपार्टमेंट रावत सर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक यानी पॉलीथीन पर निर्भरता खत्म करने के क्षेत्र में कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र के सभी ई मित्रा पर कपड़े के थैले उपलब्ध करवाए। आज आईटी केंद्र रावत सर में स्थित ई मित्र पर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल, एसडीएम शिवा चौधरी, तहसीलदार उमा मित्तल व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रावत सर प्रमोद कुमार स्वामी ने भी कपड़े के थैले खरीदते हुए आमजन को इनका उपयोग करने का संदेश दिया। इन थैलों के प्रचलन में आने से पॉलीथीन पर निर्भरता खत्म होगी और सरकार द्वारा पॉलीथीन पर पूरी तरह से रोक है, जिसके चलते दुकानदारों और ग्राहकों के लिए यह सबसे सस्ता और आसान विकल्प होगा। अपने पॉलीथीन पे पूर्णतः बैन किया गया है, तो इस हेतु हमने सोचा है कि हर ई मित्रा पे बायोडिग्रेडेबल बैग या कपड़े के थैले उपलब्ध कराए जाएं। चूंकि हर ई मित्र अपने गांव ढाणी तक और शहर में हर मार्केट के अंदर सब्जी मंडी में वहां ई मित्र स्थापित है, ये मात्र 10 रुपए का बैग है, जबकि इसकी मार्केट में कॉस्ट 15 रुपए है, पर जो परचेजिंग कॉस्ट इसके 10 रुपए है, तो हमने 10 रुपए के अंदर ही सभी ई मित्र पे उपलब्ध कराए हैं। और बैग लेने के बाद वो अगर घर चले जाते हैं और घर पे 3-4 बैग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो बैग वापस उसी ई मित्र पे या किसी भी ई मित्र पे वो वापस ई मित्र पे जमा करा सकते हैं और वो 10 रुपए वापस ले सकते हैं और वह बैग किसी और पे काम आ जाए। जानकारों की मानी जाए तो आईटी विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास तो अच्छे हैं, लेकिन सफलता स्थानीय प्रशासन के प्रयासों पर ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि प्लास्टिक थैलियों पर रोक के बाद भी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बेरोकटोक जारी है। जब तक यह नहीं रुकेगा तो कपड़े के थैलों के प्रति जागरूकता ला पाना एक लंबी जद्दोजहद नजर आ रही है।